चक्रवर्ती आज बात होगी चार बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर यूपी से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में आज से समाजवादी पार्टी ने यूपी में रथ यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर बंगाल से है, जहां दीदी की पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद निगाहें अब देश की राजनीति पर आ गई है। वही तीसरी बड़ी खबर बॉलीवुड से है, जहां राज कुंद्रा हिरासत में कई राज छोड़ रहे हैं। वही चौथी बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां तालिबान के लगातार बढ़ने कब्जे को लेकर क्या है पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आज से यूपी में रथ यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव रथ लेकर लखनऊ से उन्नाव भी पहुंचे। करीब 100 जगहों पर रथ यात्रा का सम्मान प्रोग्राम आयोजित भी किया गया। सरोजा में मोहन राज इंटर कॉलेज में यूपी अनावृत का प्रोग्राम भी तय किया गया था और इंटर कॉलेज में रैली की घोषणा भी की गई जिला प्रशासन ने, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सपा ने अंतिम समय में प्रोग्राम में बदलाव कर दिया। और इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को देखने अस्पताल भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव दिल्ली से लौटकर सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और उपचार कर रहे चिकित्सकों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में उन्हें जानकारी दी। साथ ही मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी जब जनता ने उन पर भरोसा किया। केंद्र में बहुमत की सरकार बनी और यूपी में इतने बड़े पैमाने पर सरकार बनी, तब आप किसी व्यक्ति का फोन रिकॉर्ड क्या करके क्या जानना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने कराया है ये सब दंडनीय अपराध है और अगर बीजेपी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं था तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ से उन्नाव के बीच अपनी पहली रथ यात्रा आगामी 2022 के चुनावों के मद्देनजर प्रारंभ की है। ये एक उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति को तय करने वाला चुनावी रणभूरी है और आज वो उन्नाव के ग्राम सरोसा में स्थित मनोहर लाल इंटरमीडिएट कॉलेज में पूर्व मंत्री निषाद समाज के बड़े नेता रहे हमारे मनोहर लाल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहाँ वो जनसभा को संबोधित करना भी चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मोदी जी के लिए तो सब कुछ काशी में छोड़ देती, वहाँ पेंडेमिक नहीं होता, वहाँ कोरोना नहीं होता, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए प्रशासन ने जनसभा की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में हमारी रथ यात्रा लखनऊ से लेकर उन्नाव तक होगी। 150 जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और साथ ही साथ जनता अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन भी जगह जगह पर करेगी और निश्चित तौर पे एक परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, जिसका प्रारंभ आज हो चुका है और अंत विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद अब ममता बनर्जी की निगाहें देश की राजनीति पर आ गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मना रही है। पार्टी के गठन के बाद से हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी खास मौके पर ममता बनर्जी का वर्चुअल संबोधन भी हुआ आज। उन्होंने कहा कि बंगाल ने मां माटी और मानुष को चुना है, यहां की जनता ने धनबल को नकारा है, बीजेपी पूरी तरह तानाशाही पर आमदा है। त्रिपुरा में हमारे कार्यक्रम में रोका गया, क्या ये लोकतंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा अब हमें काम करना शुरू करना है,
सरकार ने पेगागस के जरिए स्पाईगिरी भी दिखा रखी है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दें कि इस बार शहीद दिवस पर खास तैयारियां की गई हैं और ये पहली बार है जब ममता बनर्जी का भाषण 21 जुलाई को राज्य की सीमाओं से परे अन्य राज्यों में भी प्रसारित किया गया है। बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाषण दिल्ली, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में पार्टी मुख्यालय के बाहर एलईडी टीवी पर सुना जा रहा था। यही नहीं, गुजरात के भी 32 जिलों में ममता बनर्जी के भाषण का एलसीडी स्क्रीन लगाकर प्रसारण का इंतजाम तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया गया था। साथ ही दिल्ली के आयोजन में दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। साथ ही ममता बनर्जी की तैयारी को 2024 के रण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय राजनीति में उतरने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सीधे चैलेंज देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के बाद गुजरात में भी खेला करने के मूड में हैं और इसकी तैयारी उन्होंने शुरू भी कर दी है। वहीं शहीद दिवस को लेकर गुजरात में ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लगे बैनर काफी कुछ कहते हैं। ये पहली बार है जब ममता की तस्वीर वाले बैनर गुजरात में लगे हैं। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा, फोन लगा के क्या करेगा, कैमरा में पूरा सुन लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं, तो फेस टाइम में भी करते हैं, तो वीडियो में भी करते हैं, तो मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बाद ही हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, क्यों कहू के विश्वास करते पाचे ना, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम सॉरी टू से, कोई कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है, मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे मर गया, बेकारी बेरे गए छे, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलते, यही भावे देश चलते पड़े ना। फोन कैप्चर करछे, कोरे आबार बोलछे जा करेछी ठीक करेछी। माय हम्बल रिगार्ड्स टू आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, विल बी एवरीबॉडी हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर यू, कांट यू टेक ए सुओमोटो कॉग्निजेंस सर, आई अपील टू माय सुप्रीम कोर्ट जजेस, कांट If you take your phone and talk to your house wife even in the inside the room, that is also recorded. Everything is recorded. Sir, either ek Suomoto case
रहे थे। और पहली बार ये हुआ है जब ममता की तस्वीर वाले बैनर गुजरात में लगे दिखे हो। और इसीलिए बता दें, शहीद दिवस हर साल 21 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब बंगाल के बाहर भी इस शहीद दिवस के ममता के भाषण का कई और 21 भाषाओं में प्रसारण किया गया हो। सीधे तौर पर ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी की नजरें टिकी हुई हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो ये मामला अब काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और देर रात उसी दिन गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि अब 23 जुलाई तक राज कुंद्रा पुलिस हिरासत में रहेंगे और इस दौरान वो कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पॉर्न मूवीज बनाने के मामले में राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार देर रात उनकी गिरफ्तारी की खबर आई थी, जिसके बाद फिल्मी जगत ही नहीं मीडिया भी स्तब्ध है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा के गिरेबान तक पहुंचने से पहले पुलिस फरवरी से इस मामले की जाँच कर रही थी। अभी तक इंडो ब्रिटिश व्यापारी के तौर पर पहचान रखने वाले राज कुंद्रा का ये चेहरा सामने आने के बाद एक बार फिर बॉलीवुड का काला चेहरा सामने आ रहा है। मुंबई में मालवाणी थाने में कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और 420, 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की 67 और 67 ए और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत धारा 2G, 3, 4, 6 और 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए उन पर फिल्मों को पब्लिश करने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पॉर्न फिल्मों के जरिए न सिर्फ मोटी कमाई कर रहे थे, बल्कि उन्होंने देश के कानून को चकमा देने के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा था। क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवणी पुलिस स्टेशन के अंडर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा, वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से यह गुनाह दाखिल हुआ था। इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक रादर कल तक क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। हालांकि राज कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, राज कुंद्रा क्या कर रहे थे? राज कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि राज कुंद्रा अपने बिजनेस की आड़ में ये क्या कर रहे थे। दरअसल हुआ ये कि पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत फरवरी 2021 से हुई। मुंबई पुलिस ने पॉर्न मूवीज बनाने वाले एक रैकेट का खुलासा किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का केस दर्ज किया था। इसके बाद अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।
दूसरा सवाल, राज कुंद्रा ये सब कैसे कर रहे थे? राज कुंद्रा का एक ऐप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो डीलिंग कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हमेशा कामत का नाम लिया। राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत ने पुलिस को राज कुंद्रा के शामिल होने के बारे में बताया। तीसरा सवाल, बिकी हुई कंपनी के लेन देन में क्या थी रुचि? दरअसल जांच में पता चला है कि राज कुंद्रा नियमित रूप से एक ऐप के वित्तीय लेनदेन के बारे में अपडेट ले रहे थे। इसके लिए कुंद्रा ने बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसका वो एडमिन भी थे, जहां वो हॉटशॉट की क्लिप से संबंधित वितरण और वित्तीय लेनदेन के बारे में चर्चा किया करते थे। कहना वशिष्ठ और उमेश कामत दोनों निर्माता निर्देशक थे और हॉटशॉट के लिए कहानियां लिखते थे और कहानी के साथ दूसरे को भेजे गए मेल भी सीसी करके राज कुंद्रा को भेजे जाते थे। राज कुंद्रा ने हॉटशॉट के बारे में पैसे के लेनदेन के बारे में कई बातचीत की थी। चौथा सवाल, क्या इस मामले में कोई कानून है? इंटरनेट के जरिए धड़ल्ले से अपॉन कंटेंट और अश्लील सामग्रियां दुनिया भर में परोसी जा रही हैं। यौन क्रियाओं और यौन अंगों पर आधारित फिल्में या कोई भी ऑडियो वीडियो कंटेंट शामिल होता है, ऐसी सामग्री को कानून के दायरे में लाने के लिए एंटी पोर्नोग्राफी लॉ बनाया गया है, जिसके तहत ऐसी सामग्री को बनाना, बेचना, किसी और माध्यम से कहीं भी भेजना अवैध है। पोर्न को प्रकाशित करना, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं है, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी गैरकानूनी होता है। पांचवा सवाल, कितनी सजा का प्रावधान? पोर्न को बढ़ावा देने और इसका प्रसार करने में आईटी एक्ट और आईपीसीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में आईटी एक्ट 2008 की धारा 67A लागू होती है। इसके साथ ही आईपीसीसी की धारा 292, 293, 294, 506 और 509 के तहत भी सजा का प्रावधान है। वहीं मुंबई पुलिस का दावा है कि दौलत का लालच कुंद्रा को इस धंधे में खींच लाया। मुंबई पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि राज की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज इस बात के लिए भी पैसा खर्च कर रही थी ताकि ये पता न चल सके कि ये धंधा आखिर चल कहां से रहा था। राज कुंद्रा ने इसके लिए बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए थे, लेकिन फरवरी में हुई कुछ गिरफ्तारियों ने कुंद्रा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे ने पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। यहां की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण भारत के लिए भी चिंता की बात है। दरअसल पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि तालिबान के कब्जे के बाद क्या ये निवेश पूरी तरह से फंस जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे समय में जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के भू क्षेत्र के 85% हिस्से पर अपने नियंत्रण का दावा किया जा रहा है, तब ये बात साफ हो गई है कि तालिबान जल्द से जल्द अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन तंत्र की स्थापना के लिए आमदा है। ऐसे में भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारतीय नेतृत्व को दिख रहा है कि एक नॉन स्टेट एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। काबुल में रहने वाले राजनीति विश्लेषक मुश्ताक रहीम कहते हैं कि तालिबान और सरकारी नेता के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। अभी तालिबान काबुल से दूर है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में शांति समझौता नहीं हुआ तो भारी तबाही की आशंका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद है। भारत ने जो भी निवेश यहाँ किए हैं, गृह युद्ध की स्थिति में वो भी अधर में फंस जाएंगे। बता दें, भारत ने पिछला तालिबान शासन खत्म होने के बाद निवेश की शुरुआत की थी। साल 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, तब भारत ने अफगानिस्तान से संबंध को तोड़ लिए थे, लेकिन अमेरिका के आने के बाद हामिद
करजई की सरकार का गठन हुआ तो भारत फिर से काबुल में सक्रिय हो गया था। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने पर जिहादी और कट्टरपंथी ग्रुप कश्मीर में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में भारत की रणनीति रही है कि अफगानिस्तान की उस राजनीतिक सत्ता से नजदीकी रखी जाए जो वहाँ के कट्टरपंथी समूहों को काबू में रख सके। इसके अलावा ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के आने के बाद वहां बीते दो दशक में भारत ने भारी निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्री के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 400 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं। अफगानिस्तान में चल रहे भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि फिलहाल मौजूदा समय में चल रही लड़ाई का इन पर क्या असर पड़ने वाला है। सलमा डैम, ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। साल 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसे भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अभी क्या स्थिति है? हेरात प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों से भारी लड़ाई चल रही है और तालिबान का दावा है कि डैम के आसपास के इलाकों पर अब उसका कब्जा है। इसी तरह की खबरें भी आई हैं कि बांध की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी तालिबानियों के हाथों मारे गए हैं। अफगान संसद, अफगानिस्तान में भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट में काबू में अफगानिस्तान की संसद है। इसके निर्माण में भारत ने लगभग 675 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में किया था और भारत अफगान मैत्री को ऐतिहासिक बताया था। इस संसद में एक ब्लॉक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। अभी क्या स्थिति है? काबुल में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक मुश्ताक रहीम बताते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के बाहरी हिस्सों पर तेजी से काबिज हो रहा है, लेकिन अभी उसका काबुल तक आना आसान नहीं दिखता है। लेकिन अगर तालिबान देश के ज्यादातर हिस्सों में कब्जा कर लेता है और काबुल में नाम मात्र की सरकार रह जाती है तो ये व्यापार और सुरक्षा जैसे व्यापक भारतीय हितों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। ऐसे में भारत और बाकी देशों ने जिस मकसद से इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए थे वो पूरे नहीं होंगे। हाईवे प्रोजेक्ट्स, भारत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में 2018 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया है। ईरान के सीमा के पास गारांज से लेकर डेलारम तक जाने वाले इस हाईवे पर 15 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। ये हाईवे इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अफगानिस्तान में भारत को ईरान के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग देता है। इस हाईवे के निर्माण में भारत के 16 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। गारांज डेलारम के अलावा भी कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भारत ने निवेश कर रखा है। अभी क्या स्थिति है? व्यापार के लिहाज से गारांज डेलारम प्रोजेक्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण निवेश में से एक है। पाकिस्तान अगर जमीन के रास्ते भारत को व्यापार से रोकता है तो उस स्थिति में ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इस हाईवे पर तालिबानी नियंत्रण होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत अफगान संबंध और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान ने 34 जिलों में भारत सरकार के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी परियोजनाएं हैं। काबुल में 1985 में शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ गृह युद्ध में बर्बाद हो गया था। भारत ने इसे भी फिर से बनवाया और कई इंडो अफगान कल्चर प्रोजेक्ट्स में भी भारत का अच्छा खासा निवेश रहा है। दरअसल तालिबान अगर अफगानिस्तान में अपनी सत्ता जमा लेते हैं तो ये भारत के लिए काफी झटका तो होगा ही, लेकिन इस बार तालिबान भी कोशिश कर रहा है कि उसे महज एक कट्टरपंथी संगठन मानने के बजाय एक राजनीतिक दल माना जाए। ऐसे में ये देखना होगा कि तालिबान पर कौन सा गुट हावी रहता है। इसके अलावा यदि तालिबान के पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने वाले नेता सत्ता में प्रभावी होते हैं तो पक्के तौर पर ये भारत के राजनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए खतरा भी होगा। और अगर तालिबान सत्ता हासिल करने के बाद एक राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करते हैं तो भारत सरकार उनसे बातचीत के जरिए कुछ रास्ते तलाश करती है।
वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल हालत बहुत जटिल है और भारत सरकार को बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पुराने हैं, लोगों का भी आपस में संपर्क है। फिलहाल भारत को हर स्तर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ किसी की भी सत्ता रहे, लेकिन ऐसी स्थिति न पैदा हो कि पिछले 20 साल में बने वहाँ के सभी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर टूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।